नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली पत्रिका विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है। 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जडेजा ने क्रिकेटर के रूप में लगातार ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले दो सालों में जडेजा ने टीम में अपने बल्ले और गेंद और साथ साथ फील्डिंग से भी कमाल का योगदान दिया है। विजडन ने खिलाड़ी की क्षमता आंकने के लिए क्रिक विज रेटिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें उनकी रेटिंग 973 बैठती है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर है। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी औसत 24.62 शेन वॉन से बेहतर है, जबकि उनकी बल्लेबाजी औसत 35.26 शेन वॉटसन से बेहतर है। जडेजा ने भारत के लिए 49 टेस्ट, 165 वनडे और 49 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 49 टेस्ट में 1869 रन बनाने के अलावा 213 विकेट भी निकाले हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के औसत का अंतर 10.62 रनों का है, जो इस सदी में किसी भी खिलाड़ी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जिसने 1000 से अधिक रन बनाए हों और 150 से ज्यादा विकेट भी लिए हों। वो एक शानदार ऑलराउंडर की गिनती में आए। क्रिकविज के फेडी ऑल्टन ने विजडन से कहा, भारत के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। वो भारत के नंबर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी टेस्ट टीम में ऑटोमेटिक नहीं चुने जाते। हालांकि जब वो खेलते हैं तो उन्हें फ्रंटलाइन गेंदबाज के रूप में चुना जाता है और नंबर 6 के रूप में टॉप की बल्लेबाजी करते हैं। उनकी मैच में काफी ज्यादा भागीदारी रहती है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा पिछले साल सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म बॉलर बने थे। रविंद्र जडेजा ने अपने 44वें मैच में 200वां विकेट हासिल किया था। इसी के साथ वो सबसे तेजी से 200 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज भी बन गए थे। सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में जडेजा दूसरे नंबर पर हैं। आर अश्विन इस सूची में टॉप पर हैं, उन्होंने 37 टेस्ट मैचों में 200 विकेट चटकाए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया।